गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। अब ये तीन लोग इसको कैप्टन बनाने वाले हैं, तीन दोस्त, यानी कि मनीषा, फुकरा इंसान और एलविश, और साथ में तो आखिरकार आशिका तो है ही। आशिका को जो बोलेंगे ये तीन दोस्त, आशिका वो करेगी, क्योंकि एक ग्रुप में एक साइलेंट वाला दोस्त भी ज़रूर रहता है, और यहाँ पर आशिका वो ही साइलेंट दोस्त है जो सबका कहना मानती है और उसको सब बिठा के जो बातें भाई सब करते रहते हैं। अभी जो इनका कहना ये है कि चल इसने खेल लिया, जो भी कर लिया, चल बढ़िया है, जो भी किया। अभी ये सीक्रेट टास्क कैसे होते हैं, और वो एल्विस जो है उसका कहना ये, यार ये बनाता कौन है यार, बड़े बढ़िया बढ़िया टास्क बनाता है यार, जो भी बनाता है यार, मज़ा आ गया, मतलब कि देख के वो टास्क के बारे में सुन के ही मज़े में बैठे हैं। लड़ाई कहाँ करेंगे, तो लड़ाई तो ऐसे भी नहीं करनी, इन लोगों ने ज़्यादा ड्रामे किए हैं। तो इनका कहना ये है कि अब तो पूजा मैम को बनाएंगे कैप्टन। पूजा मैम ने इस टास्क में एक अलग ही भूमिका निभाई है, वो इधर भी अच्छी थी, वो इधर भी अच्छी थी। उनका कहना ये है जब हमें फ़ायदा नहीं है, वो उन्होंने टास्क के बारे में भी बता दिया फुकरा इंसान को, और इनके साथ भी थी कि मैं तो उसको दूर कर रही हूँ, इसकी भी हेल्प कर रही थी, एक अलग भूमिका निभा रही थी। अभी फ़ायदा तो पूजा भट्ट को होगा, अगर देखा जाए तो ये चार वोट, और बेबी का भी दे देगी पांचवा, वो बचे चार या तीन बचे, तो क्या होगा, पूजा भट्ट बन जाएगी, तीन बचे चार बचे, पूजा भट्ट बन जाएगी। और पूजा भट्ट की कैप्टनसी भाई मैं देखना चाहती हूँ अब, कि वो उसका असली रूप और भी निकल के सामने आएगा ना। और अगर इन लोगों ने ये प्लान किया है तो फिर बिग बॉस थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई हमारी पूजा को ऐसा किया है, तो पूजा को तो बनने दो एक बार कैप्टन, की मुश्किल अगर नेक्स्ट टाइम वो आ गई नॉमिनेशन में तो मुश्किल हो जाता है उसको बचाना, इस बार एटलीस्ट बची हुई है तो नेक्स्ट टाइम जो है बच जाएगी। तो मुझे लगता है पूजा भट्ट कैप्टन बनेगी, क्या कहते हैं आप बताना जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।